हिमेश रेशमिया ने इंटरनेट सनसनी रानू मंडल को बॉलीवुड में मौका दिया। रानू का हिमेश के साथ गाना रिकॉर्ड करने वाला वीडियो कुछ दिनों पहले वायरल हुआ। रानू मंडल के रेलवे प्लेटफॉर्म पर एक प्यार का नगमा है गाते वीडियो से ज़्यादा वायरल हो गया। बॉलीवुड में किसी बाहरी की एंट्री के बेहद कठिन बताई जाती है, लेकिन किसी रेलवे प्लेटफॉर्म से उठकर सीधे बॉलीवुड के लिए गाना देकर हिमेश रेशमिया ने सीधे सीधे लोगों के दिल में जगह बना ली। रिपीट। लेकिन इसमें खास बात यह है कि अभी एक्टर सलमान खान के दोस्त हिमेश रेशमिया ने इस काम में सलमान को क्रेडिट देना नहीं भूला। जी हां, ये बात जगजाहिर है कि हिमेश रेशमिया सलमान खान के परिवार के तारीफ करते हुए नहीं थकते हैं। हिमेश हमेशा बताते हैं कि वे संगीत की दुनिया में केवल खान परिवार के चलते हैं। उन्होंने रानू मंडल के साथ गाना रिकॉर्ड करने के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि रानू से गाना गवाने का विचार उन्हें सलमान खान के पिता सलीम खान की एक बात से प्रभावित होकर आया। हिमेश ने बताया कि सलमान भाई के पिता सलीम अंकल की सलाह मेरे लिए बहुत काम आती है। उन्होंने एक बार मुझे सलाह दी थी कि जब भी तुम लाइफ में किसी टैलेंटेड इंसान से टकराओगे तो उसे कभी मौका देना मत भूलना। इसी का पालन करते हुए हिमेश ने जैसे ही रानू मंडल के वायरल वीडियो को देखा और उनके गाने के अंदाज को देखा, तभी उन्होंने तय कर लिया कि वो इन्हें मौका जरूर देंगे। बता दें, रेलवे के एक प्लेटफॉर्म पर लता मंगेशकर का गीत एक प्यार का नगमा है गाने वाला वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोकप्रिय हुए रानू मंडल गायिका के तौर पर बॉलीवुड में अब अपना कदम रख चुकी है। फिल्मी अड्डा से प्रियंका की रिपोर्ट।